गुड इवनिंग मित्रों, जीरो लेवल गणित आपकी शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक आप सभी ने देख लिया था भाग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज से एक नया अध्याय शुरू होगा, पार्ट नंबर 25 क्लास होगी सेकंड बैच की। इसके पहले की जो फर्स्ट बैच थी उसमें आप लोगों ने लगभग 90 क्लास देख लिया होगा, है ना। देखिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मिक्स्ड नंबर। मिक्स मतलब आप जानते हैं, जिसमें कई चीजें मिला दिया जाए तो उसे मिक्स बोलते हैं ना, मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों को एक में मिला दिया जाए। मिक्स नंबर को हिंदी में मिश्र संख्याएं बोलते हैं। कैसे करते हैं इस सवालों को, जैसे दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन है, लगभग सभी लोगों को आ जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर कितना होगा। फिर दूसरा सवाल है, अगर आपको नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपको एक मिनट के अंदर हल करके बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। पहला है 48, फिर डिवाइड बाई 4 इंटू 2, मतलब 48 के बाद भाग का चिन्ह है, फिर 4 है, फिर गुणा 2 है, इसको कैसे करेंगे। देखिए इन सवालों को देखने में तो लग रहा बहुत छोटा है, लेकिन इसमें नियम भी लगता है, अगर आप उस नियम से नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़े लगने लगेंगे और आएगा भी नहीं। ये सभी सवाल जो है वो बोर्ड मास रूल पर आधारित होते हैं। बोर्ड मास आपने सुना होगा, BODMAS। यहाँ पर जितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं, इनके 6 के अलग अलग कार्य हैं। लिख लीजिए आप लोग, ऐसे बना लीजिए। बी का मतलब क्या होता है, ब्रेकर्स, हिंदी में इसे बोलते हैं कोष्ठक, आप लोग भी लिख लीजिए। ओ मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में होता है का। अभी हम हर प्रकार का सवाल करके दिखाएंगे, जल्दी जल्दी से बना लीजिए फटाफट। डी मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन को हिंदी में बोलते हैं भाग। यम मतलब होता है मल्टीपल, देखिए आज मार्कर थोड़ा डार्क दिख रहा होगा क्योंकि वो सभी मार्कर कुछ पुराने हो गए थे, इस वजह से अच्छा नहीं दिख रहा। ए मतलब एडिशन, मतलब एडिशन का होता है जोड़, वो एडिशन वैज्ञानिक का नाम नहीं। और एक लास्ट में जो बचता है सब्सट्रैक्शन, मतलब कि घटाना। ये एक सीरियल वाइज होता है, अगर एक परजेंट नहीं है तो दूसरा वर्क करता है, लेकिन पहले की परजेंटी में दूसरा वर्क नहीं करता है। सिंपल सी बात है, वैसे जैसे अगर आपके घर में कहीं जाना हो मुख्य जगह पर, तो सबसे पहले पापा जाते हैं, अगर पापा नहीं होते तो लड़का जाता है ना। तो उसी तरह से सेम टू सेम इसमें होता है, अगर इसमें से सारी जितने भी हैं सभी चिन्ह हैं, तो सबसे पहले ब्रेकट वाला हल होगा, बाद में दूसरे का नंबर आएगा। अगर ब्रेकट नहीं है तो फिर आप दूसरा नंबर पे चल सकते हैं। तो चलिए इसमें हम चलते हैं, इस बोर्ड मास रूल पे कौन कौन सा इसमें यूज है, कौन कौन सा नहीं है। इसमें केवल दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक भाग का एक गुणा का, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको केवल दो ही चीज इसमें देखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये लिखा है 48 और भागे ये 4 गुणा 2। आइए देखते हैं, ब्रेकट सबसे पहले होता है, इसमें कहीं ब्रेकट लगा है, नहीं लगा। दूसरा नंबर आप होता है, आप मतलब का, जैसे होता है 2 का 5/7 का, इतना का, इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहीं का लगा है, ऑफ लगा है, कहां लगा है, इसमें नहीं है। मतलब ये ऐसे नहीं, वो सवाल ऐसे होता है, जैसे 4/8 का 5/7 का मान ज्ञात कीजिए, ऐसे होता है। यानी कि का भी नहीं है इसमें, मतलब आठ वाला भी नहीं है। तीसरा पे आता है डिवीजन यानी भाग, देखिए भाग का चिन्ह है इसमें ना, तो इसका मतलब हम सबसे पहले भाग करेंगे, इसी नियम में देखते चलेंगे। 48 यानी 48 में जब 4 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं 12 आएगा, है ना। ये देखिए 4 एकम 4 घटा लिया 0, 8 उतारा तो 4 2 8 12 आया ना। इसका मतलब इतने की जगह पर जहां पर अंडरलाइन किया है 12 हो जाएगा, फिर गुणा और ये 2, दूसरी लाइन में अब होगा ये कितना आएगा, 24 आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा सही था, डी नंबर ऑप्शन सही था, नॉन ऑफ दीज है ना। लिख लीजिए जिसको जिसको लिखना है, 24 हो जाएगा, बस ये उत्तर हो गया।
दूसरे में आइए, सेम टू सेम यही नियम अपनाइए, उत्तर पाइए तुरंत। कैसे? इसमें प्लस है और भाग का निशान है, तो भाग से इसमें भी शुरू होगा। सबसे पहले देखिए, अगर इसमें आप लोग करेंगे तो देखेंगे 19 प्लस 55 है, तो बहुत लोग क्या करेंगे, पहले इसको 55 में जोड़ देंगे, और जब ये जोड़ देंगे ना तो ये 9 5 14, 5 1 6 7 हो जाएगा 74, और 74 को 5 से भाग देंगे तो कटेगा ही नहीं, है ना, इसी पे अटक जाएगा, फिर इसका उत्तर नहीं आएगा। यानी अगर आप पहले जोड़ना कर देते हैं तो ये सवाल हल ही नहीं होगा, अगर नियम से चलेंगे तो हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें भाग देंगे, मतलब 55 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे सब ये बना हुआ, मैं इधर हल कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो मैं जगह बना रहा हूँ इसी में हल करूंगा, इतना दूर में। जब आप इसको हल करेंगे, पहले मैं पूरा सवाल यहाँ लिख लेता हूँ, 19 प्लस 55 भागे 5, इसको जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 11। अब इसको जोड़ लेंगे, 9 1 10, हासिल 1 और 2 1 1 2 1 3, इसका आंसर आएगा 30। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर सही है। इसको लिख लीजिए जल्दी से, जिसको जिसको छापना है छाप लो जल्दी से, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को रोक ले, इसी पर रोक करके लिख लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जैसे इसी पर आधारित तीसरा सवाल, जल्दी से लिखिए। अब इसको हम मिटा देते हैं, बोर्ड मास रूल आप सभी जान गए होंगे, याद करिएगा, जब फिर बीच में काम लगेगा तो फिर से लिख देंगे। तीसरा सवाल का जवाब दीजिए, सभी लोगों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ी नहीं, कक्षा 4 की किताब में है, जो प्राइमरी में लगती है, जो खिचड़ी वाला स्कूल जानते हैं ना, उसी में। देखिए ये क्या है, 77 भागे 11 माइनस 5, 77 इसका उत्तर कितना आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 2 आएगा। कैसे, 11 7 77 हो जाएगा, 7 में 2 7 में 5 जाएगा, 2 6। अब तेज हो रहे हैं आप लोग, आने लगा, इसका आंसर 2 आएगा ना। यस सर। देखिए बहुत छोटा है ये, बहुत आसान है, अगर नियम से चलेंगे तो आसान रहेगा, बिना नियम के चलेंगे तो लगेगा ही नहीं ये सवाल। नियम का मतलब ये है, पहले भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, अगर आपने भाग नहीं किया पहले घटा लिया तो 6 आ जाएगा, 77 भागे 6, जो कि भाग ही नहीं होगा। तो अगर नियम पे चलेंगे तभी ये लगेगा, बिना नियम के लगेगा नहीं। इसका कमेंट करिए, आप लोग कमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है तो लिखेंगे Q3, अगर A सही है तो A, और C सही है तो Q3C, इस तरह का कमेंट करेंगे। कुछ लोग अगर 2 होता है आंसर तो ऐसे लिख देते हैं 2 2 2 8 बार, उनका गलत होता है, वो सोचते हैं हमारा कमेंट सबसे पहले देखा जाएगा, जो 10 बार लिख देंगे। तो देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, इसी में ये भी है, अगर इसको अभ्यास कर लेंगे जितना सवाल है तो बोर्ड मास रूल का सवाल आपके हर एक परीक्षा में आता है, चाहे टेट सीटेट का एग्जाम दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे तो आप लोग अभी जो आपका जेल वार्डन या फिर यूपी पुलिस का है या बिहार पुलिस एमपी पुलिस, सभी परीक्षाओं में आता है बोर्ड मास रूल पर आधारित। 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 31, जल्दी से बताइए, 30 डिवाइड बाई 6 प्लस 31, आप लोग ये बताइएगा, ब्लैक मार्कर ज्यादा अच्छा दिख रहा है कि ब्लू में, किस में ज्यादा अच्छा दिख रहा है, आप लोग को कौन सा अच्छा दिख रहा है, ब्लैक ज्यादा दिखेगा, ब्लैक ज्यादा दिखेगा ना, डार्क दिखेगा ब्लैक में, हाँ ठीक है, लिखिए। देखिए पहले के मार्कर खूब मोटे हो गए थे, चलते नहीं थे, सब लिख लिए, कितना आएगा, 36 आएगा। हाँ इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन होगा 32 36 28, या फिर होगा 30, 36 आएगा, कैसे, 5 6 30। देखिए ये बोर्ड मास रूल पे चलेंगे तो पहले ब्रेकर फिर ऑफ फिर डिवाइड, तो इसमें डिवाइड से शुरू होगा, इसमें भाग देंगे 5 आएगा, 31 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, आप लोग कमेंट करेंगे Q4B, ऐसे मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का बी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बी 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 लिख देते हैं 5 6 बार,
ऐसे मत करिएगा। आगे अब लगभग आ जाना चाहिए, 13 × 2 − 14। इसको करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग लगा लीजिए पहले से क्या। 13 × 2 − 14 ऑप्शन नंबर है 5, 7, 11, 9, 10 कितना आएगा? 12 आएगा। देखिए इसमें अगर बोर्ड मास रूल पे चले तो फिर से देखिएगा एक बार फिर से गौर करिएगा। ये होता है बोर्ड मास, पहले ब्रेकट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीपल फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें ना तो ब्रेकट है ना ऑफ है ना डिवाइड है, मतलब ये तीनों सीधा सीधा किनारे हो चुका है। इसमें बचा है एस मल्टीपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल है एडिशन भी है, नहीं है सब्ट्रैक्शन है, यानी यम है और यस है। तो पहले यम करेंगे यानी मल्टीपल, तो इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 26 − 14 इक्वल आएगा 12। ऑप्शन कौन सा है सही? डी नंबर ऑप्शन सही है, 9 of 10। आप लोगों ने अगर अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से तुरंत कर दें, और ये मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं तो उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी जीरो लेवल क्लास हर दिन इस पे मिल सके। क्योंकि बहुत से लोग को ये नहीं मालूम कि ये कहाँ देख रहे हैं, उनको क्लास के लिंक मिल जाता है देख लेते हैं बस, फिर अगले दिन नहीं मिलती तो चिल्लाते हैं कि आज क्लास ही नहीं मिल रही। अगला देखिए छठवां नंबर, जितना है सब लगा लिए इसमें क्या आप लोग? 28 + 4 − 30 इसका आंसर कितना आएगा? देखिए पहले ऑप्शन लिख ले तब बताइए इसमें आप कौन सा आएगा। आप लोग बताइए ऑनलाइन में कौन सा होगा, आप लोग भी बताइए कौन सा। दो कोई सी। देखिए इसमें केवल जोड़ और घटाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं या पहले जोड़ लेते हैं। एक नियम से चलेंगे, पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे। तो जोड़ेंगे 28 × 4 = 32 − 30 और सभी लोग जानते हैं जब 32 से 30 घटाएंगे तो 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। आप लोग कमेंट करेंगे Q6 का सी, और सभी लोग कमेंट करेंगे। कुछ लोग ऐसे देखते हैं जैसे मूवी देख रहे हैं शांति से, ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं ना बोलते हैं, बस बैठे रहते। तो आप लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी किया करिए जिससे मालूम चले कि हाँ आप भी देख रहे हैं। चले अगला सवाल देखिए, इसी में एक सवाल और इसी टाइप का देते हैं, नंबर सातवां। और मैं बार बार बोल रहा हूं अगर अगली क्लास की देखना है तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके, जिससे आपको कुछ क्लास मिल सके। अगर सारी क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, ऊपर दिया गया है, इस पर JOIN ज्वाइन लिख कर भेजिएगा और क्लास ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको हर दिन की क्लास मिले। अब इसका आंसर कितना आएगा देखिए, ये लगभग में ये सभी का गलत होता है 80%, जबकि है बहुत छोटा बहुत ही आसान, लेकिन गलत क्यों होता है? पहला ऑप्शन है 27, 28, 32 और 12, इसमें से एक सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आएगा। अब आप लोगों ने उसमें जो देख देख के लगाया था, अब इसका बताइए। कितना आएगा? कितना आएगा? ABCD। एक सवाल और इसी में लिखिए जल्दी से फटाफट। ये है 14 − 2 + 3 − 1। ऑप्शन नंबर पहला है 12, 14, 15 और 19। अगर आप इसको कर लेंगे तो बोर्ड मास रूल का कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में आप कर ले जाएंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है इसकी। और जीरो लेवल की क्लास अगर आप मैथ बिल्कुल भूल चुके हैं तो आपकी एक नई उम्मीद जगाती है। मतलब अगर आपने साइंस नहीं लिया था 12th में, मैथ नहीं लिया था 10th में, फिर भी आप अपना एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिशन का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए जीरो लेवल क्लास अवश्य ज्वाइन करें। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी पार्ट्स मिलते हैं, यानी लगभग 200 से अधिक क्लासें मिलेंगी, और हर दिन एक क्लास जो है वो मिनिमम 10 मिनट से लेकर के मैक्सिमम 150 मिनट तक की हो सकती है। जी हाँ, 150 मिनट, ढाई ढाई घंटे से अधिक की क्लास भी होती है।
लेकिन आप लोगों ने शायद अभी देखा नहीं होगा, उन सबको दिखा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। अगला सवाल देखिए, इसका आंसर 28 आएगा। कैसे? इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ना करेंगे। और कुछ लोग क्या, अक्सर लोग यही करेंगे कि भाई यहाँ 29-3 लिखा है, वो फट से 29 से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26। हाँ एक मिनट, पहले ऑप्शन बताइए, 14-15 नहीं देखिए इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें से ऐसे घटा लेंगे, हो जाएगा 26, धन 2 जोड़ देंगे आगे 28। बट ये नियम गलत है, उत्तर आए या ना आए ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसे सही नहीं होगा, ये गलत तरीका है। पहले हमें जोड़ना करता, बोर्ड मास में करते ना जोड़ना, आप लोगों ने भी ऐसे किया था क्या? नहीं, पहले माइनस किए थे, उसके बाद माइनस ही तो किया मैंने पहले, ये गलत तरीका है, लेकिन ये सही नहीं है। देखिए सही कैसे होगा, नीचे देखिए मैं इसको सही तरीके से बता रहा हूँ, वो ऊपर तरीका गलत है। उत्तर भले आ जाए इस सवाल में, लेकिन कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है। पहले हमें जोड़ना करना होता है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, पहले 29 में 2 जोड़ेंगे, 29 2 क्या होगा 31, 31 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 28 आएगा ना। उत्तर तो यहाँ 28 आ गया, यहाँ भी आ रहा था। अब कहेंगे आंसर तो सही है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है, इसको जान लीजिए। आप तरीका सही अपनाएंगे तो हर जगह उत्तर सही पाएंगे, वरना बाद में पछताएंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब जिन लोगों ने कमेंट्स किया था, वो आप देख रहे होंगे किनका सही है। इसका राइट आंसर होगा हमारे समझ से जो आएगा वो कितना आएगा, 14 आएगा। देखिए इसमें भी कुछ लोग क्या करेंगे, पहले इसको 2 घटा लेंगे 12 हो जाएगा, फिर 12 में 3 जोड़ देंगे 15, 15 से घटा देंगे 14। बट ये भी तरीका गलत है, उत्तर तो इसमें सब में मिल जा रहा क्योंकि छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन अभी हम आपको वो भी सवाल दिखाएंगे जिसमें नहीं मिलेगा ऐसे। तो आप पहले नियम से चलेंगे, पहले जोड़ना करेंगे, जोड़ने में पहले धन धन वाली संख्याओं को जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 3 17। अब माइनस माइनस जोड़ेंगे तो माइनस 2 में माइनस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 3, और इस तरह से आएगा 14। ये सही तरीका होता है, बाकी गलत तरीका भी देख लीजिए जो आप लोग करते हैं, और कहीं कहीं नहीं अक्सर जगह गड़बड़ हो जाता है। वो क्या है कि इसमें से घटा लेंगे आ गया 12, फिर धन 3 माइनस 1, फिर इसको जोड़ लेंगे 15 माइनस 1 इक्वल 14। बट ये तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता है। लिख लिए ना आप लोग, उतार लिए। ये मिश्र संख्याओं पर आधारित कुछ सवाल थे, लेकिन अब इतने से ही नहीं, देखो समझो और हल करो। ये देखिए कितना सीखा आप लोगों ने पढ़ा होगा ना बचपन में, अब तो नई किताबों में कितना सीखा नहीं आता है, नहीं तो पहले आता था कितना सीखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते थे करने के लिए। अब थोड़ा सा दूसरे स्टेप पे बढ़िए, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग जल्दी से लाइक कर दें। कुछ लोग तो सोच रहे हैं ये रेडियो जैसे बोलते रहते भाई, कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा एक्टिविटी अगर दिखाएंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब दीजिए। थोड़ा बड़ा होगा ये सवाल, दिमाग भी बढ़ाना पड़ेगा। 13 × 2 − 7 + 27, 13 × 2 − 7 + 27 / 3, इतना बड़ा है ये। अब इसका मान क्या आएगा, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए जल्दी जल्दी से, फटाफट क्या आएगा आप लोग बताइए कितना आएगा, ट्राई करिए जल्दी से। देखिए ऑप्शन हम यहां पर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए ऑप्शन, उसके बाद फिर आगे करिए। ऑप्शन देखिए आपके सामने आ चुके हैं, 4 ऑप्शन है सभी में। कोई भी एक कमेंट करना है, क्वेश्चन लगा करके कमेंट करिएगा, भगवान का नाम लेके नहीं। कुछ लोग एग्जाम में भी भगवान का नाम लेके लगा देते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा चलो ठीक है भगवान पास कर देंगे, लेकिन होता क्या है तुक्का मारने से अक्सर कहीं कहीं तो सही हो जाता है बट कहीं कहीं सब गलत हो जाता है, तो इसलिए जो रियल में है वही करिए, कुछ ज्यादा कल्पना करके नहीं। देखिए इसमें बोर्ड मास रूल पे चलेंगे, सबसे पहले करेंगे भाग,
और जब भाग करेंगे तो आप सभी जानते हैं पहाड़ा तो सभी को आता होगा, तीन का पहाड़ा कि 27 आ जाती, 9 27, यानी कि इसको इतना हल करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे हल करके दिखाते हैं, अगर पहाड़ा नहीं आता तो कमेंट करिएगा, हम आपको ट्रिक बताएंगे पहाड़ा याद करने की और आप आसानी से कर लेंगे, 50 तक के पहाड़े याद कर सकते हैं। ये हो गया इतना एक लाइन में, इसमें भाग दिया, दूसरे लाइन में क्या करेंगे, गुणा करते हैं ना, ये हो जाएगा 26 माइनस 7 प्लस 9। आप तीसरे लाइन में क्या करेंगे, जोड़ना, इसको घटाइएगा मत इसमें से, नहीं 19 और 9 28 आएगा, वो ठीक है बट यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा कहीं, तो नियम से चलेंगे। तो पहले हम जोड़ेंगे 26 में 9, 26 4 30 5 35 माइनस 7 और ये आएगा टोटल कितना, 28। ये अब सही हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी नंबर। अगला देखिए नंबर 10, दसवां नंबर क्या कह रहा है, 9 × 45 भागे 5 प्लस 17, इसका मान कैसे निकालेंगे, कितना आया था आप लोग का, 98। देखिए पहले भाग करेंगे, सबसे पहले तो भाग करने के पहले जो भी जैसे है उसको ऐसे लिखते चलेंगे और भाग करेंगे 45 में जब 5 से तो कितना आएगा, 9 आएगा, ये 45, हाँ यहाँ पे नहीं रहेगा, ये 9 हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 17, है ना, ये कितना आएगा, 9 9 81 और ये 17, 7 1 8 और 8 1 9, इस तरह से 98 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, और उसमें भी बी ही सही था, है ना, नोट कर लीजिए। आगे चलें, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपकी इसी बुक के अनुसार, देखिए ये बुक लिया हूं ना, बहुत ही छोटी बुक है ये, लेकिन यहीं से न्यू की शुरुआत होती है बाबू। जैसे आपको एक मकान बनाने के लिए मजबूत, आप बहुत सी अच्छी से अच्छी दीवार बनाते हैं ना, न्यू लगाते हैं, उसी तरह से ये पढ़ाई की न्यू भी इसी पर टिकती है। आपको इस न्यू को मजबूत करने के लिए जीरो लेवल क्लास अवश्य देखनी चाहिए हर दिन, और हर दिन आप ये क्लास कब देखेंगे, जब आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे तभी, है ना। ये तो हो गया था क्या, चलिए ठीक है, बता दीजिए फिर से कितना आएगा, बिना ऑप्शन के ही कमेंट कर दीजिए जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये इसका आंसर बताइए कितना आएगा, नंबर 11 का, नंबर 10 का, ऑप्शन मैं यहां पे लिख दूं, देखिए 8 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा या 9 ऑफ दी जाएगा, जल्दी से बताइए, देखते क्या है, कोशिश तो करिए, मंजिल मिले या ना मिले ये अलग बात है, लेकिन आप कोशिश ना करें ये गलत बात है, कोशिश करिए, जो भी होगा देखा जाएगा, सफलता नहीं मिलेगा तो अनुभव मिलेगा, और आप जानते हैं कि जिंदगी में जितना ज्यादा अनुभव से इंसान सीखता है ना, उतना ज्यादा कहीं कोई पंडित नहीं सिखा पाता। इसका ऑप्शन कितना आएगा, 88 98 78 28, हो गया सभी का आंसर, अब मैं नहीं लगाने वाला हूं। अगला सवाल, आप लोग कहेंगे भाई ये क्या हो गया, इतनी जल्दी जल्दी काहे मिटा दे रहे, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल कर लिए, आप लोग समझदार हो चुके हैं, अब ज्यादा समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग फटाफट उत्तर बताइए। 38 - 15 और गुणा 4 और धन 41। कुछ लोग बोलते हैं हमारे कमेंट का जवाब नहीं मिल रहा है, देखिए बाबू ये क्लास में आपको बता दूं, इस समय जो है लाइव नहीं हो रही है, आपका प्राइमरी रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें हम आपके कमेंट्स का जवाब बोल करके नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपका कमेंट हम नहीं देख पाते हैं, लिख करके आपको रिप्लाई मिलेगा पीवीआर स्टडी नाम से या फिर किसी और नाम से, आप परेशान मत होइएगा। अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपका अधिकार है, निसंकोच आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, जो ऊपर दिख रहा है इसका ऑप्शन पहले लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन देखिए
58, 57, 32, none of these. देखिए उत्तर सोचना पड़ता है ना, अब ऐसे नहीं ऑप्शन दे सकते हैं जल्दी से फटाफट, जल्दी करें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हो गए, ये नंबर नोट कर लें, जिन लोगों की शिकायत आती है उन्हें हर दिन क्लास नहीं मिलती है, इस नंबर पर जे ओ आई एन ज्वाइन लिख करके भेजिए व्हाट्सएप पे 9793484448। जल्दी करें, अब आपकी क्लास जो 10 मिनट की होती थी ना बाबू, अब वो 10 मिनट की नहीं होगी, अब 40 से 50 मिनट की क्लास होगी, जिसमें आप लोग इतना सारा अभ्यास कर लेंगे ना कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसको आप क्रैक ना कर पाए, जीरो लेवल मैथ कंप्लीट सीख सकेंगे अब आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। बस कोशिश करते रहे, लगे रहे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नहीं या पार नहीं होती। जी हाँ, आ गया उत्तर की मैं बताऊं, देखिए एक आध हल भी कर देता हूं, नहीं आप लोग कहेंगे यहाँ पे केवल तमाशा कर रहे हैं और बता नहीं रहे। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास है ना, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रेकआउट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसमें ना तो कहीं भाग का चिन्ह है, ना ब्रेकट है, ना ऑफ है, इन तीनों को खलास कर दीजिए, इसमें नहीं है। गुणा से शुरू होता है, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ फिर घटाना, तो इसमें गुणा सबसे पहले है, 38 को ऐसे उतार लेंगे चुपके से, 15 चौका ये हो जाएगा 60, धन ये हो जाएगा 41। अगली बार में आप जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा प्लस प्लस, देखिए पहले घटाएंगे नहीं, पहले जोड़ेंगे, जब आप इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 1, 9, 4, 3, 7 -60, इस तरह से आपका आ जाएगा 19। देखिए अगर आप अपनी मनमानी वाला करते हैं, पहले घटाते हैं तो ये घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा, 19 आएगा ना, माइनस में 19, प्लस में 41, यानी कि घट जाएगा ये, तो ये आपका उत्तर देखिए बदल जाएगा, समझ रहे ना, तो उत्तर बदलने ना पाए, 41 में 38 जोड़ के तब 60 को घटाइएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, इसको जान लीजिए, ठीक है, समझ रहे ना, और आगे नहीं कहने की जरूरत। ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ई वाला सही, नोट कर लीजिए, क्लास की क्वालिटी अगर चेंज नहीं किया ना तो चेंज कर लीजिए, जिससे बिल्कुल बेटर दिखे बाबू, एकदम फुल एच डी क्वालिटी में, आप इसे 720 या 1080 पिक्सल पे भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, याद रखें हर दिन शाम 7 बजे से जीरो लेवल मैथ, जीरो लेवल गणित का मतलब ये नहीं कि जीरो, जीरो का मतलब आप लोग जीरो से बनते हैं हीरो, यानी कि कक्षा 1 से शुरू करते हैं, कक्षा 8 तक की मैथ हम जीरो लेवल में मानते हैं, मतलब बेसिक मैथ, जैसे आपने वो विद्युत का बल्ब देखा होगा ना छोटा वाला, जिसे बोलते हैं 0 वाट का बल्ब, बट वो 0 वाट का नहीं होता है, वो 0.5 वाट का होता है, मतलब आधा वाट का होता है, क्योंकि 0 वाट का तो कोई चीज होता ही नहीं है, 0 वाट मतलब चलेगा ही नहीं है ना, जीरो लेवल मैथ भी वैसे ही होती है, जैसे ये बल्ब है 0 वाट का, कहते 0 वाट का, ये 0 वाट का नहीं होता है, आधा वाट का होता है, समझ गए ना। एग्जाम्पल तुरंत प्रस्तुत है आपके सामने, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिकल भी जरूरी है ना, इसीलिए मैंने दिखाया आपको। आगे चलें, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये 12-13 कौन सा था भाई, नंबर वगैरह डालते जाइएगा अपने हिसाब से, क्योंकि यहां कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है नंबर पे, तो कुछ भी लिख देते हैं। देखिए आप लोगों की वजह से हमने फैन को बंद किया है, क्योंकि यहाँ पे क्लास में बहुत कम बच्चे थे, फैन चलाते हैं तो ये फैन गड़गड़ गड़गड़ दोनों तरफ से करता है, तो आवाज डिस्टर्ब होती है और पसीना भी हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले, गड़बड़ ना हो, समझ में आए, सुनाई पड़े। ऑप्शन देखिए इसमें कितना आएगा, ये सवाल हो चुका है क्या अभी, शायद हो चुका है, बार बार अब इसको नहीं लिखने वाले। देखिए अगला नया सवाल, ये है 87 - 96 डिवाइड बाई 4 +7 × 3 और माइनस है 31। समझने की कोशिश करिएगा, इसमें एक दीवार बना दिए हैं। ऑप्शन नंबर क्या दूं मैं जल्दी से, आप ऐसे ऑप्शन बताइए फटाफट,
जल्दी से बताइए, सवाल नंबर अगला लिखते हैं तब तक। सभी क्वेश्चन का, सभी ऑप्शन का उत्तर दीजिए, जो भी सवाल आपके सामने दिखे बस कोशिश करते रहिए। बोर्ड मास रूल कभी नहीं भूलेंगे अगर आपने इस क्लास को शुरू से और अंत तक देख लिया, पूरी गारंटी लेते हैं 100%। अगला चलें, देखिए एक सवाल और आपके सामने आ चुका है। 42 - 105/15 हट जाएं, +13 * 4 - 67 बहुत ही आसान होता है ये, लेकिन आपको बहुत ही कष्ट होता है अगर समझ में नहीं आता तो। मैथ में अगर आता है तो बहुत मजा आता है, और नहीं आता ना बाबू तो बहुत मस्त नींद आती है ना। लगाते समय अगर सवाल नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी नींद आ जाती है, लेकिन वही नींद एग्जाम के टाइम में भाग जाती है जो पढ़ते समय पे आती है, फिर परीक्षा आती है ना उस समय नींद नहीं आती है। ऑप्शन नहीं है इसमें, बिना ऑप्शन के बताइए, कोशिश करिए, ऐसे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बहुत बताते हैं ना उत्तर, बता दीजिए 111 होगा, 128 होगा, लगाएं। देखिए आप लोगों का इंतजार रहा होगा कि लगा नहीं रहे, बस केवल गाना गा रहे खड़े होके। देखिए पहले भाग करेंगे, बोर्ड मास रूल में आपने देख लिया था तो भाग करेंगे, जब इसका 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 × 8 और 4 × 16 = 24 आएगा ना, 4 × 16 4 × 8 = 9 ये हो जाएगा 87 - 24 + और वैसे उतार लेंगे जो भी दिया है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। आगे क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर गुणा करते हैं, तो ये यहां तक ऐसे उतार लेंगे, इसके पहले 87 - 24 + 21 - 31 तीसरे नंबर पर होता है जोड़ना, जोड़ेंगे प्लस प्लस, ये घटेगा नहीं पहले और ना ही ये जुड़ेगा, 21 + 87 + ये दोनों जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 × 1 = 8 और ये 8 × 2 = 10 108 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ेगा, देखिए अच्छी अच्छी संगति और बुरी बुरी संगति में मित्रता होती है ना, तो बस वैसे सेम टू सेम माइनस माइनस जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4 × 5 + 3 × 2 = 5। अब इसको घटा लीजिए कितना आएगा, घटा लीजिए फटाफट कितना आएगा। देखिए इसको जब आप घटाएंगे, अगर ये 50 हो, 100 होता, सोचिए 100 होता 55 घटाते तो 45 आता, उसी में 45 में 8 जोड़ दीजिए, और जब आप 45 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 53। घटाने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, 108 से 55 घटाना है, आप जरा गेस करिए कि 108 नहीं है, 100 है, तो 100 में से 55 घटा लेंगे 45 आएगा, लेकिन ये 100 से 8 ज्यादा था ना, इसलिए 45 में 8 जोड़ दीजिए, तो 45 × 5 = 50 = 53 हो गया आंसर। दूसरा सवाल देखिए, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं वो लोग शुरू से देखें जिससे समझ में आए। पहले भाग करेंगे तो भाग के पहले जो भी है इसको ऐसे उतार लेंगे, 42 - 15 = 105। अगर टेबल नहीं आता ना तो कमेंट करिएगा, आपको पहाड़ा बताया जाएगा टेबल याद करने की ट्रिक। ये 7 आ जाएगा जितना अंडरलाइन किया हूं इतनी जगह पे, ये प्लस 13 × 4 - 67। दूसरा बार में करते हैं क्या, गुणा, तो गुणा कर लीजिए, गुणा तक वैसे उतार लीजिए जो भी है, ये यहां तक 13 × 52 - 67। लास्ट में करते हैं क्या, घटाना, उसके पहले जोड़ना करते हैं, तो ये 42 में जुड़ेगा 52 कितना आएगा, 2 × 2 = 4 + 5 = 9। -7 में - 67 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 67 में 7 जोड़ेंगे 67 × 3 = 70 और 4 = 74 यही आएगा ना, ये हो जाएगा 7 × 7 = 14 + 1 और 7 × 6 = 13 कितना हो जाएगा, 67 × 3 = 70 + 4 = 74 जी बिल्कुल 74 आएगा। घटा लीजिए कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है, 74 + 10 = 84 + 10 = 94 यानी कि 20 आएगा और आपका टोटल उत्तर ही कहलाएगा 20।
जल्दी से छाप लीजिए, जो लोग छाप रहे फटाफट, देर ना करें। आपने सुना होगा ना, नकल करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो आप लोगों की अकल तो शायद बहुत पहले से है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन वीडियो को रोक लीजिए जल्दी से, स्क्रीन पे टच करिए, रुक जाएगा, फिर लिख लीजिए, क्योंकि ये रुका नहीं जाएगा स्क्रीन के, आप छापते रहेंगे। कुछ लोग बहुत तेज लिखते हैं, कुछ लोग बहुत धीमा लिखते हैं, तो वीडियो रोक करके लिखिए, हो गया ना। तो ये टीवी शो जो आप देख रहे थे, कुछ लोग ऐसे ही देख रहे थे, बोल नहीं रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट अवश्य करें, चाहे तो अपना नाम ही लिखकर कमेंट करें, जिससे कि आपको भी कोई जान सके ना कि आप भी देख रहे थे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे आते हैं, उपस्थिति नहीं दर्ज कराते हैं और चले जाते हैं, और फिर वो परजेंट नहीं होते हैं। और जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे उनको हर दिन क्लास नहीं मिलेगी, इसको नोट करके रख लीजिएगा, इस नंबर को याद कर लीजिए, बहुत आसान है, 9793488 और 448। चाहे तो ऐसे याद कर लीजिए, चाहे तो ऐसे 97 93 48, फिर इसका उल्टा 84 और फिर उसका उल्टा 48, इसी में उलट पलट के लगाएंगे, नंबर बन जाएगा, ठीक ना। ये काहे लिए लिख रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं हम लास्ट में प्रचार करते हैं, जी बिल्कुल प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दोनों लोग का फायदा होता है, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारा उद्देश्य पूरा होता है ना। तो इस नंबर पर आप JOIN ज्वाइन लिखकर भेजेंगे व्हाट्सएप पे, आपको हर दिन की क्लास मिलेगी, मैथ सिखाने की पूरी 100% गारंटी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, लेकिन कब, जब आप लोग सीखना चाहते हैं तब, नहीं तो कहें कि भाई मुझे आप मैथ सिखाइए और हम चिल्ला रहे हैं आप हर दिन क्लास देख रहे हैं, बाद में आपके पल्ले नहीं पड़ रहा क्योंकि आप दिमाग लगा ही नहीं रहे, तो हमारी गारंटी तो किसी काम की नहीं रहेगी। गारंटी तभी होगी टर्म एंड कंडीशन के साथ, जब आप हमारी जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करेंगे, तब आप 100% सीख जाएंगे, ठीक ना। तो ये आपकी क्लास आज लगभग 40 से 45 मिनट हो चुकी है, लेकिन चलने के पहले हम आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे, क्योंकि बिना होमवर्क के आगे गाड़ी नहीं बढ़नी है। अगर आप लोग करके लाएंगे तो बहुत अच्छे हैं, और नहीं करेंगे ना तो उससे भी अच्छे हैं। अब देखिए आप लोग बहुत अच्छे बनते हैं कि उससे भी ज्यादा अच्छे बनते हैं, जल्दी से नोट करिए, 64 / 16 + 16 × 2 − 30 + 6। एक बी वाला क्वेश्चन है जो सभी के लिए बहुत ही मजेदार है, मीठा सा है ये, 48 / कितना भाई, नहीं भाई 16 + 2, ये बी हो गया। नंबर सी, 29 + 3 − 5, देखिए मुरझा के बैठेंगे तो नहीं समझ में आएगा, सोचते रहिए, लगाते रहिए, हंसते गाते रहिए, है ना। और अगला सवाल क्या है, 32 + 7 / 2 − 3, लगाइएगा, अगर कोई आफत आएगी तो बताइएगा जरूर, लिख लिए, एक आध और लिख लीजिए थोड़ा सा हटके, ये बहुत छोटा सा है, ये सब मैं फार्मूले यहाँ पे क्यों लिखा रहा हूं आपको, जिससे कि आप लोग को याद रहे, √3/2 LCM, भिन्नों का एलसीएम बताइए आपने पढ़ा कि नहीं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बहुत ज्यादा परेशान अभ्यर्थी हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी क्लास अब नो कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं, 24 घंटे तो नहीं, सातों दिन रात 10 बजे से होगी हर दिन। फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लास है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी बहुत कम है और सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी उतने ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका जून में एग्जाम है। तो अब उनकी क्लास होगी 1-1 घंटे की लगभग, जो कि रिवीजन क्लास होगी, और जो फर्स्ट क्लास थी वो क्लास आपको इकट्ठा दे दिया जाएगा अगर आपने ज्वाइन किया है तो। नहीं ज्वाइन किया तो आज ही ज्वाइन करें घर बैठे, और प्राप्त करें कंप्लीट कोर्स। जी हाँ, मैथ का कंप्लीट कोर्स पूरी गारंटी के साथ आपके घर आंगन तक, कहीं से भी देखिए, कभी भी देखिए, बस ट्रेन खेत खलिहान जंगल कहीं भी बैठ के पढ़िए, आप मोबाइल फोन लिए रहिए, बस आप पढ़ते रहिए, कर लिए ना, ये सभी होमवर्क लिख लीजिए। और हाँ, इसको हल करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया है तो आपको ये सुविधा मिलेगी, अगर नहीं ज्वाइन किया है ना तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि आपको नहीं मिलेगी, आपको भी मिलेगी, लेकिन जो पहले ज्वाइन किए हैं पहले उनका चेक हो जाएगा, रिप्लाई हो जाएगा, अगर बाद में
आपका नंबर आएगा तो आपको भी रिप्लाई मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास मजबूरी और कंडीशन होती है दोनों, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर, अपना ख्याल रखना, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास होगी रात्रि 8 बजे से आपकी, कौन सी क्लास, मास्टर क्लास, जिसमें आप देखते हैं टेट सी टेट जेल वार्डन यूपी पुलिस एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल यूपीएसआई के साथ साथ आईएएस पीसीएस जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें आने वाले कॉमन चैप्टर जो लगभग सभी परीक्षाओं में आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसी क्लास है, सभी परीक्षा में कैसे आएगी, जैसे है नंबर सिस्टम, तो कोई ऐसी गणित नहीं बनी जिसमें नंबर सिस्टम ना आए। अगर कोई भी परीक्षा आप देते हैं तो संख्या पद्धति के सवाल उसमें अवश्य आते हैं, कोई भी परीक्षा हो ऐसी नहीं जिसमें नंबर सिस्टम ना आए, उसका उपयोग कहीं ना कहीं जरूर होता है ना। तो सेम टू सेम वैसे जैसे एक लोहे की चाकू होती है ना, तो उससे आप सेब भी काटते हैं और फल भी काटते हैं, मतलब सब्जी भी काटते हैं फल भी काटते हैं, चाहे तो हाथ पैर भी काट ले अपना, कुछ भी काट सकते हैं, समझ रहे ना। तो ऐसे वही क्लास आपकी होती है जो सभी के लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास में आपने इतना टाइम दिया, कृपया इस क्लास को जल्दी से तुरंत लाइक कर दें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करिएगा और उनसे बोलिएगा अगर वो क्लास देखते हैं पूरा तो गणित अच्छे से सीख जाएंगे, अगर नहीं देखते हैं तो फिर जो मर्जी वो करें। एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू, इस क्लास को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ये हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना होगी, और लाइक करके ही जाइएगा। चलते हैं फिर, अगली क्लास में आइएगा 8 बजे रात में तुरंत। और हाँ, एक बात मैं जो भूल गया था, बहुत ही जरूरी है, जरूरी की भी जरूरी है, वो ये है कि आप लोग ये क्लास 3 में भी प्राप्त कर सकते हैं लगभग में कंप्लीटली। उसके लिए आपको एक काम क्या करना होगा कि पीवीआर स्टडी के वेबसाइट pvrstudy.com इस पर आपको विजिट करना होगा, यहाँ से आप इस कोर्स को पा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा। इसके अलावा आप इस कोर्स को फेसबुक पर भी प्राप्त कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है पीवीआर स्टडी के फेसबुक पेज की, उसे अवश्य फॉलो करें। फॉलो का ऑप्शन आता है लाइक करने का, पेज अगर आप लाइक करते हैं पीवीआर स्टडी का तो आप ये कोर्स फेसबुक पर भी देख सकते हैं। अगर आप ये कोर्स फेसबुक पर ही देख रहे हैं, अब मुझे तो नहीं मालूम आप कहां देख रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे आए कंप्लीट कोर्स देखें। अब यूट्यूब पे आप कहां देख रहे हैं मुझे नहीं पता है इतना, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर इस कोर्स को पीवीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो कृपया मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, मैथ आसान है, बिल्कुल आसान है, अगर आप हमारे साथ हर दिन देखते हैं तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाएगा। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको हर एक क्लास मिलती रहे, क्योंकि कुछ क्लास इस पे होती है कुछ इस पे होती है। इतना ही नहीं, कुछ जो स्पेशल क्लास होती है वो पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होती है, पीवीआर स्टडी के बाद जीआरओयूपी ग्रुप लगाना होता है। इन सारे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग अगर तीनों चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको सभी क्लास मिलती रहेंगी। बाकी हमारा उठना बैठना खेलना कूदना जो भी हमारे मित्र लोग हैं, कौन क्या करते हैं कहाँ जाते हैं, कुछ पर्सनल वीडियो भी आप पा सकते हैं जो कि ब्लॉग से रिलेटेड, उसके लिए पीवीआर स्टडी ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आप हमारी कहानी सुनते हैं लास्ट में ना, जो बक बक करते हैं, तो आपके काम की बहुत चीजें होती हैं। तो चलते हैं, एक बार फिर से थैंक यू, अगेन थैंक यू, इस क्लास को लाइक करके तभी जाइएगा, शुक्रिया, फिर से मिलिएगा 8 बजे रात में, इन दोनों चैनल में से किसी एक पर क्लास होगी, दोनों से जुड़े रहिएगा।